हेलो एवरीवन, और लेक्चर एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास सिक्स का चैप्टर 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और जो लोग ट्यूशन नहीं जा सकते या फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते ट्यूशन वगैरह की, तो वो अपने घर पर पढ़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और कंटेंट अच्छा लेकर आऊँ। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है लाइट शेडो रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं लाइट। तो सबसे पहले, लाइट होती क्या है? तो लाइट क्या है, हम हिंदी में इसे बोल देते हैं रोशनी। लाइट का मेन काम क्या है? जो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने में हेल्प करे, उसे हम लाइट बोल देंगे। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक बंद कमरे में हो, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, सारे में अंधेरा फैला हुआ है। क्या आप वहाँ लाइट को, वहाँ ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, कोई लाइट का सोर्स नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि जब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना होगा, तो हमें क्या चाहिए होगी? लाइट। तो लाइट की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो व्हाट इज़ अ लाइट? लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती है। और लाइट की एक खासियत है, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि सीधी, बिल्कुल सीधी होकर ट्रैवल करती है। अब हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस का मतलब होता है कि जिस चीज़ की अपनी खुद की लाइट हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट हो। ऑब्जेक्ट्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जैसे एग्जाम्पल है सन और टॉर्च। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हमें अलो करते हैं या लाइट को अलो करते हैं कि उनमें से पास होके जाएं, और जिनके बीच में से हम देख सकें क्लियरली। वो कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वाटर, एयर, ठीक है। तो ग्लास कंटेनर्स होते हैं जैसे। फिर है ओपैक, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। ओपैक, ओपैक मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में से हम ना देख सके और लाइट उसमें से पास होके ना जा सके, जैसे कि एग्जांपल है स्टोन, सन, मून। नेक्स्ट ट्रांसलूशेंट। ट्रांसलूशेंट मींस होता है कि जिनमें से हम देख तो सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में से, लेकिन बहुत कम, बिल्कुल क्लियर नहीं। ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। तो एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? फॉग, स्मोक, पोलोथीन। तो ये सारी क्या हैं, जिनमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं। अब उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है इसका, वो कह देते हैं हम शेडो। तो व्हाट इज़ अ शेडो? तो शेडो क्या होती है? तो जब किसी ओपैक ऑब्जेक्ट पे हम लाइट डालते हैं, तो लाइट उसके बीच में से पास होके तो जा नहीं सकती, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक कह लो कि शेप क्रिएट हो जाती है। तो उस शेप को ही हम बोल देते हैं शेडो। तो शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती है शेडो। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब भी किसी लाइट के पाथ में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पर क्या बन जाती है? शेडो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? तो रिफ्लेक्शन क्या है, आप डेली शीशे को देखते हो, मिरर को देखते हो, तो मिरर में आपको अपनी फेस वगैरह दिखाई देता है, यानी अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। तो वो रिफ्लेक्शन दिखाई कैसे देती है? तो मिरर क्या कर देता है, चेंज कर देता है लाइट की डायरेक्शन में, जिससे जो है एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। व्हेन अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, रिफ्लेक्शंस आर फॉर्म्ड।
अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स। तो हमें इनको अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आ जाएगा ओपैक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो, तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही शेडो बनती है, तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो। तो फर्स्ट ओ पी ए क्यू, सेकेंड नंबर पर यू ई ओ, थर्ड नंबर पर बी जे ई सी, फोर्थ नंबर पर टी एस एम, फिफ्थ नंबर पर एस एच ए डी और सिक्स नंबर पर ओ डब्ल्यू एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स एज ओपैक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूशेंट एंड लुमिनस और नॉन लुमिनस। अभी जो नॉन लुमिनस है उसका मतलब होता है कि जिनकी अपनी लाइट ना हो, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था पहले। तो सबसे पहले है ओपैक, तो ओपैक कौन से होते हैं, जो लाइट को पास होने ना दे या जिनके बीच में से हम देख ना सकें। तो इसके जो क्वेश्चन था उसमें ये हमें सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए थे या मटेरियल्स दिए हुए थे, तो वो बहुत सारे थे तो मैंने उनमें इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली आंसर जो है वो लिख लिया है। तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे हमें पता है, तो हम आसानी से उसमें से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ सीडी, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, एन अम्ब्रेला, अ ट्यूब, अ वॉल, द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, कैरोसिन स्टोव, सन, मून, फायरफ्लाई। ये सभी कैसी चीज़ें हैं ओपैक। ट्रांसपेरेंट क्या है, एयर, वाटर, या यहाँ पर वैसे वो इंक्लूड इसमें नहीं किया हुआ, आप लिख सकते हो ग्लास कंटेनर। ट्रांसलूशेंट वो ऑब्जेक्ट जिनमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं, तो अ शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, फॉग, अ शीट ऑफ सेलोफेन, वायर मैश। तो ये सारी क्या हैं, ट्रांसलूशेंट। ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट होती है। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, आप उसको वो क्या है, एक तरह की शाइन प्रोड्यूस कर देता है। अ लाइटेड फ्लोरेशेंट ट्यूब, तो ट्यूब लाइट अपनी ओन प्रोड्यूस कर लेती हैं। द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, अ लाइट टॉर्च, सन, फायरफ्लाई। नॉन ल्यूमिनस जिनकी अपनी लाइट ना हो, एयर, वाटर, अ पीस ऑफ रॉक, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, अ मिरर, अ वुडन बोर्ड, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ सीडी, फॉग, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एन अम्ब्रेला, अ वॉल, अ वायर मैश, केरोसिन स्टोव, अ शीट ऑफ सेलोफेन, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, मून, ये सब सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। ये कह रहे हैं क्या क्या आप एक ऐसी शेप के बारे में सोच सकते हो जो अगर हम उसको किसी और वे में रखें तो वो सर्कुलर शेडो दे और किसी और वे में रखें तो रेक्टेंगुलर शेडो दे। तो ऐसा क्या होता है, सिलेंडर। तो क्योंकि सिलेंडर क्या, अगर हम टॉप की इस टॉप को देखें तो टॉप क्या होता है, सर्कुलर। अगर हम टॉर्च के सामने उस सर्कुलर एरिया को रखें तो जो हमें शेप देखने को मिलेगी वो मिलेगी सर्कुलर, यानी सर्कुलर शेडो देखने को मिलेगी। लेकिन हम अगर उसका कर्व वाला हिस्सा देखें, उसको लाइट के सामने रखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर शेडो देखने को मिलेगी। अ सर्कुलर अ सिलेंडर ऑब्जेक्ट कैन कास्ट शेडो इन टू वेज। व्हेन द टॉप सर्कुलर व्यूज फेसिस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, अ सर्कुलर शेडो इज फॉर्म्ड। व्हेन इट्स कर्व्ड साइड फेसिस द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, इट कास्ट अ रेक्टेंगुलर शेडो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर। तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि मिरर क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है, तब हमें अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है। तो वहाँ जब लाइट ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगी, तो दिख ही नहीं सकती। नो, टू सी द रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड। एक और इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा क्या होता है, वो कैमरा जिसको हम जो ज़्यादा लाइट वाले ऑब्जेक्ट हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए यूज़ करते हैं। और बना कैसे सकते हैं हम उसे, एक जो कार्टन बॉक्स होता है हमारा, उसमें हम होल करके उसे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे सन को आप नेक्ड आई से क्यों नहीं देख सकते, तो जो सन है उसको हम नेक्ड आई से इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जो आईज हैं उन पे उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा पड़ेगा। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, पिनहोल कैमरा की हेल्प से।
तो दोस्तों ये हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।